आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, जिसके लिए अधिकतर सभी महंगी महंगी ब्यूटी क्रीम्स एंड मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। मेकअप चेहरे को ना इंस्टेंट ब्राइट करने का बेहतरीन काम तो बाखूबी करता है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में स्किन को इसके बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में आप घर में कुछ उपायों से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली। जी हाँ, इसके लिए गर्मी में रोज़ाना बर्फ से अपने चेहरे की मसाज करें, इससे आपका चेहरा ना हमेशा चमकता रहेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, चेहरे पर बर्फ़ लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, चेहरे पर ना बर्फ लगाने से चेहरे को टाइट करने में हेल्प मिलती है। इससे ना त्वचा के बड़े हुए रोम, छीदर या फिर जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जैसे कि झुर्रियाँ और फाइन लाइंस भी कम नज़र आती हैं और आप यंग नज़र आते हैं और अपनी रियल एज से 10 साल तक के छोटे लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खिल जाएंगे। और दोस्तों, जब आप चेहरे पर बर्फ़ लगाते हैं ना, तो इससे त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही चेहरे की थकान दूर होती है और त्वचा के रंगन में सुधार आता है, जिससे चेहरे को इंस्टेंट ग्लो मिलता है। इसीलिए आप भी अपने चेहरे पर बर्फ ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, इससे आपकी आँखों की थकान और साथ ही पफी आइज़ भी दूर होती हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर काम करते हैं, तो इससे आँखों के आसपास ना सूजन आ जाती हैं। कुछ लोग सुबह सोकर जागते हैं तो पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम रहती हैं, ऐसे में आप आँखों के आसपास बर्फ़ से मसाज कर लें। इससे ना आपकी आँखों को ठंडक मिलेगी, उसकी थकान दूर होगी, फ्रेश महसूस करेंगे और पफ़ी आइज़ भी दूर होती हैं। ठीक है, और ना दोस्तों, अगर आप आइज से फेस की मसाज करते हैं, तो इससे गर्मी में होने वाली जो रेडनेस, रैशेस की प्रॉब्लम होती है ना, वो कम होगी। जी हाँ, अगर चेहरे पर जलन हो रही है तो आप आइस लगा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। आप ना हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन जो है फेस पर आइस ज़रूर लगाएं। ठीक है, और हाँ, बर्फ़ की मसाज, ये सबसे अच्छी बात यह है कि ना बर्फ़ जो है पोर्स खोलने में हेल्प करता है, जो कि ना गंदगी और आंतरिक सेबम से भरने लगते हैं, साथ ही बड़े हुए छिद्रों की उपस्थिति को कम भी करता है। जब आप अपने चेहरे पर बर्फ़ लगाते हैं तो आपकी त्वचा मुलायम दिखने लगती है, पोर्स कम हो जाते हैं और स्किन टाइट नज़र आती हैं। ठीक है, और ना दोस्तों, हर रोज़ चेहरे पर बर्फ़ रगड़ने से चेहरे के जो ऑयल पोर्स होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है और पिंपल्स की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके भी पूरे चेहरे पर हो गए हैं पिंपल्स और नहीं है इसका कोई भी सोल्यूशन आपके पास, तो सिंपली आप ना बर्फ़ की हेल्प से अपने चेहरे की मसाज करें। तो अब आपने फ़ायदे जान लिए हैं, अब जानेंगे चेहरे पर बर्फ़ कैसे लगाना है। चेहरे पर ना आइस मतलब कि बर्फ़ लगाना बहुत ही सिंपल एंड आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये है कि कॉटन का या फिर रुमाल का कपड़ा आपको ले लेना है, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर पैक कर लेना है। आप आइस बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे धीरे धीरे और सर्कुलर मोशन में चेहरे की मसाज करें, पूरे फेस की। ठीक है, आप बर्फ़ के पानी से चेहरे को धो भी सकते हैं या फिर पानी में बर्फ़ डालकर नहा भी सकते हैं। जिस भी तरीके से आप जो है बर्फ़ का इस्तेमाल चेहरे पर करना चाहते हैं, कीजिए। इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स होंगे, आप अपने एज से 10 साल तक कम दिखेंगे और बहुत ही जवान और ग्लोइंग स्किन भी पाएंगे।